से जो मैंने आपका आपके लिए पहला पोर्शन मार्क किया है स्टडी के हवाले से, आपके स्टडी टाइम टेबल का जो एक यूनिट है फिजिक्स का, उसमें मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स पूरा उसमें कवर कर ले। अब काइनेमेटिक्स यहाँ तक है, देखें वो कहते हैं अब स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए इस चैप्टर के बाद। अब अगर आपको उस लंबी लिस्ट में पता नहीं चल रहा हो कि वहाँ पर टॉपिक्स कैसे हैं, कौन सा है उस यानी डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ से पता चल सकता है कि स्टूडेंट जो है डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर सके। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, ग्राफ से कैसे पता चलेगा आपको, फिजिकल कोई सिचुएशन दी गई हो वहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट का कैसे पता चलेगा, सो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये रिलेटेड है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मुख्तलिफ सिचुएशन में रेशो मांगी जा सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ सर्कल में अगर हाफ सर्कल कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रेशो क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इन दोनों को रिलेट करने वाले। फिर इनके ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें, वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे होती है, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, ये आपका पहला लेक्चर होगा या आपकी पहली जो फिजिक्स का पहला यूनिट होगा जो आपने अपने स्टडी के टाइम टेबल में अपने लिए फिक्स किया होगा, इसमें ये सारे आराम से कवर हो जाते हैं। देखें आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उन दो 24 घंटों में अगर आप अपना टाइम डिवाइड कर दें ना, तो आप अगर 8 घंटे आराम को या 7 घंटे अगर आप नींद को दें, 1 घंटे में नमाजें सारी हो जाती हैं, एक घंटा 2 घंटे और भी आप चलो इसमें खाना वगैरह खाना ये चीज़ें, तो फिर भी आपके पास 14 आवर्स बच जाते हैं। उन 14 आवर्स में आप 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और बल्कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वो भी है, तो बहरहाल सफिशेंटली आप उन 14 में से 12 आवर्स एटलीस्ट आप इसको देंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो इसमें आप ये बड़ी आसानी से ये न सिर्फ ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं बल्कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, जो आपके एनएमटी के बहुत सारी बुक्स अक्सर स्टूडेंट्स के पास होती हैं, मुझे यकीन है आपने अपने लिए कोई अरेंजमेंट की होगी, तो उससे इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज करें और को बंद करें। नेक्स्ट डे फिर इन टॉपिक्स का करेंगे, या नेक्स्ट जो आपने टाइम टेबल में अपने लिए फिजिक्स का टाइम रखा है तो उसमें प्रोजेक्ट ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैंने 3 सेक्शंस बनाए थे उसमें, लेकिन अगर आप कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उनको 2 लेक्चर्स में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड दैट इज़ ये सारी चीज़ें देखें उसकी जो अभी हमने सिलेबस देखा तीसरे चैप्टर का, ये उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, तो इसमें क्लियरली बताया गया है, देखें ना ये प्रोजेक्टाइल के मुतालिक कि भाई कितना हाउ मच हायर इट कैन, यानी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, उस ट्रेजेक्ट्री की लेंथ मेजर करने का भी इवन आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है टोटल इनिशियल से फाइनल, या वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी उसकी क्या फॉर्म होगी, सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट जीरो होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मालूम होती है। फिर आपको ये पता हो कि मैक्सिमम हाइट पर चूँकि वेलोसिटी कम से कम होगी तो वेलोसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें भी कम होंगी, मोमेंटम हुआ इस तरह, एक्सेलरेशन हो गई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर ये न्यूटन लॉज वगैरह से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स में क्लियरली लिखे हुए हैं, इसको गो थ्रू करें, कोई चीज़ उसमें मिस ना करें। इसके बाद जो है वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में, वर्क का टॉपिक है, एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर है। ये इंतहाई ईजी, इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ये मेरा ख्याल है आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा लेक्चर्स नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। वर्क उस प्रोसेस का नाम है जिससे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी खुद क्या है,
चेंज की एबिलिटी, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एबिलिटी की जिसके बेस पे ये खुद को या सराउंडिंग को चेंज कर सके। और फिर उस इन दोनों के दरमियान रिलेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आप डिसिपेटिव और नॉन डिसिपेटिव दोनों मीडिया के लिए इसको तफसील से देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ पर क्लियरली ये नहीं कहा गया कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है या नहीं है या वो शामिल है या नहीं है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में फिर क्लियरली आपको पता चल जाता है कि देखिए इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन डिसिपेटेड एज हीट इनटू द एनवायरनमेंट, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन डिसिपेटेड मीडिया, तो वहाँ पर ये टॉपिक है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपने एनर्जी लॉसेस का टॉपिक भी कवर करना है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब इनको एक लेक्चर में या एक ही आपका जो जो है सिलेबस या आपने जो आपका जो टाइम टेबल है उसमें जो आपने इसके लिए एक घंटे का या दो घंटे का या तीन घंटे का टाइम रखा है फिजिक्स के लिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर कैसे होंगी? याद रहे ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि इसके लिए आप नोट्स बनाते रहें, डिराइवेशंस करें, नहीं, शॉर्टकट्स अपने लिए खुद बनाएं, किसी और के बनाए हुए शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे प्लस आता है माइनस आता है, यहाँ पे पावर क्या है, ये चीज़ें इन चक्करों से निकलें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर उनकी बेस पे अपने लिए खुद शॉर्टकट्स बनाएं। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आम रूटीन में और वो बंदे को याद होते हैं, तो चलो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ये इधर से सही पता चलता है कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाजमी है। तो ये आपके टाइम टेबल का फोर्थ पार्ट यानी फिज़िक्स का फोर्थ यूनिट हो गया। आपका जो टाइम टेबल है आपने जो अपने लिए बनाया है उस हिसाब से उस टाइम टेबल में यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर फोर में इसको नाम दे देता हूँ या यूनिट नंबर फोर। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। अब ये एक लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर फर्दर आप दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से लेकर कहाँ तक है फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसके साथ आप देख लें। वैसे हम देख लेते हैं लर्निंग आउटकम, वहाँ पर शायद हमें और भी क्लियर हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके यूनिट्स एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और में रिलेशनशिप लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ में आपको रिलेशनशिप मालूम हो, एक तो उनकी डिफिनीशंस मालूम हो जो मैथमेटिकल डिफिनीशंस है जैसे एंगुलर वेलोसिटीज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो इन फार्मूलों से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। याद रहे जितने भी व्हील के प्रॉब्लम्स हैं या डिस्क वगैरह के आपकी इस चैप्टर में मौजूद हैं वो आप कवर करेंगे। इस चैप्टर को भी दो लेक्चर्स में आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? अगर हम लर्निंग आउटकम्स देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर इस चैप्टर के देखें तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, उसको रेडियंस में एक्सप्रेस कर, रेडियन और डिग्रीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है ये मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये पता हो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पंखे की मिसाल लें, घड़ी की मिसाल लें, घड़ी की जो सुइयाँ हैं उसकी क्या एंगुलर स्पीड है, फिर पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम अगर आप करेंगे तो सेकंड्स में क्या होगा, मिनट्स में क्या होगा, आवर्स में क्या होगा, फिर इस तरह अर्थ की रोटेशन, जितने भी पीरियाडिक फिनोमेना आम तौर पे हमारे ऑल अराउंड मौजूद है एटलीस्ट उनके बारे में आपको मालूम हो, किसी गाड़ी का पहिया है उसकी एंगुलर स्पीड, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर को आपने दो सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, तो आपने क्या करना है ये जो एंगुलर एक्सेलरेशंस तक की टॉपिक्स हैं इनको आप एक साथ करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन तक, यानी जो आपकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक, ये भी साथ में शामिल कर दें, ये आपका फिफ्थ लेक्चर हो जाएगा। और इसके बाद जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप लेक्चर नंबर सिक्स में या आपने यूनिट नंबर सिक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप देखें ना उसको लेक्चर नंबर सिक्स में करें, ठीक है। फिर इसके बाद द वेव्स हैं,
अब ये उसका चैप्टर भी इंतहाई लेंथी है। तो 6 यूनिट आपके हो गए, 6 यूनिट्स में आपने पहले चैप्टर 5 तक की चीज़ें कवर कर ली होंगी। ये बहुत ज़्यादा टाइम है इसके लिए। अगर आपसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि NMD KET में आपको टू द पॉइंट रहना होता है। आप सिर्फ वो फार्मूले उठाएं जो फाइनल रिजल्ट्स हैं फार्मूलों के। हर फार्मूले के बाद टेक्स्ट बुक में 2-3 लाइन में वो फार्मूला डिस्कस किया गया होता है। आप वो देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा प्रीवियस, जैसा कि मैंने कहा कि 5th चैप्टर में, तो 5th चैप्टर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक फार्मूला है V=R ओमेगा। तो इस तरह दिया गया होगा कि 2 व्हील्स हैं और एक जैसा उनका रेडियस है। अगर एंगुलर वेलोसिटी एक की a है और दूसरे की b है, यानी दो डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज से वो जा रही हैं, तो कौन सी की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कौन सी की कम होगी? तो इनसे मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई ω1 और ω d के दरमियान रेशो दिया गया होगा g1:2, और आपसे ये कहा जाएगा जी लीनियर वेलोसिटीज में रेशो बताएं, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली ये फार्मूले यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, फिर जहाँ पर स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल कभी इस तरह होता है कि m² / r, ये फार्मूला है फॉर एग्जांपल। अब वो कहेंगे जी वेलोसिटी को डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फिर आप ये देखेंगे कि उसमें रिलेशनशिप क्या है। तो अकॉर्डिंगली फिर आपने उसी तरह से ही इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर है तो ये 4 टाइम हो जाएगा, और अगर इसको ट्रिपल किया तो ये 9 टाइम हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी। देन बहरहाल ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा था। आपने वो सारे फार्मूले और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, 6 लेक्चर्स आपके हो गए हैं, 6 यूनिट्स। 7वां यूनिट्स वेव के चैप्टर में है, एंड वेव के चैप्टर में आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन वेव से पहले आपको सोर्स ऑफ वेव मालूम होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट वेव्स लिखा हुआ है, लेकिन ऑसिलेशन की भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन एटलीस्ट पहले इससे देखें, SHM, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म जो है ये, और इसकी इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये, और फिर ओमेगा की वो रिलेशंस जो अभी आप प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं इस तरह। ये कुछ बेसिक चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको मालूम हो, टाइम पीरियड का पता हो, फ्रीक्वेंसी का पता हो, तभी आप वेव्स की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अब वेव के पास क्या क्या चीज़ें होंगी। मोस्टली फोकस करना है जी प्रोग्रेसिव वेव्स के ऊपर, के जो ट्रेवल कर सकती है, जो एनर्जी आगे प्रोपेगेट करती है, लेकिन आगे स्टेशनरी वेव्स भी आएंगी। ये देखें स्टेशनरी वेव्स, या जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, और वो स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो है या आर्गन पाइप्स में वो भी आ सकते हैं। ये चैप्टर सारे का सारा करना है, वेव्स का चैप्टर। इसके लिए अगर आप 3 लेक्चर्स निकालते हैं, 2 लेक्चर्स निकालते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेफ साइड पे रखूँगा, तो आप 3 मुख्तलिफ क्लासेस में, 3 मुख्तलिफ यूनिट्स में इसको कवर कर सकते हैं। याद रहे ऑलरेडी 6 लेक्चर्स आपके पहले हो गए थे, 3 ये हो गए, तो आपके 9 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है, 9 लेक्चर्स में आपने 1st ईयर का कोर्स वेव्स तक कंप्लीट कर लिया है।